इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर मैं प्रदीप आक्राम बागपुर जिला सोनभद्र रावर्टरगंज से बोल रहा हूँ। जी प्रदीप, नाम आपने बताया? जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आती है। सोनभद्र से आप हैं, रॉबर्ट्सगंज से बात कर रहे हैं? जी जी सर, 2 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी सर। जी जी, बहुत खुशी की बात है कि आपके फोन लग जाते हैं। कैसे लगते हैं कार्यक्रम हमारे आपको? आपके कार्यक्रम तो सभी अच्छे लगते हैं सर हमको। जी जी, और यही बात है सर कि आप जब भी आते हैं तब भी मेरा फोन लग जाता है। अब यही वो बात है, संयोग है कि तमाम श्रोताओं में से किसका फोन लग जाता है, क्योंकि उस पर हम लोग का कोई वश नहीं है। तकनीक आधारित ये सारी रिकॉर्डिंग होती है और ये आपके जरिए गुजारिश करें तमाम हमारे श्रोताओं से जो भी इस इलाके में है जहां मतदान होना है 1 जून को, तो वो अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने विवेक से मतदान सोच समझ कर करें। किस गाने की फरमाइश है आज आपकी? हमको फूल मूवी का गाना सुनना है जी। इसका कौन सा गीत है? क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा तुझ पे एतबार करता हूँ। सर यही सॉन्ग है? बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और बहुत गर्मी है आपके इलाके में भी? गर्मी बहुत तेज होगी? जी जी सर, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत तेज पड़ती है सर। तो गीत सुन लेते हैं, फिल्म है फूल। आपकी फरमाइश पर बहुत शुक्रिया, नमस्कार। क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, क्या कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा तुझपे ऐतबार करता हूँ, सबसे ज्यादा तुझपे ऐतबार करता हूँ। कुछ ऐसा हो गया
जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका, नाम बताइए अपना। राजा हुसैन। राजा हुसैन जी सर। जी कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? सर मैं तो ऐसे कुरमोल सोहनपुर के रहने वाला हूँ, कुशीनगर से। और अभी कहीं और रह रहे हैं लग रहा है? जी 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 गुजरात में है। अभी आप गुजरात से बात कर रहे हैं तो कैसे हैं? और गुजरात में भी गर्मी क्या इसी तरह है जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के इन पूर्वी हिस्सों में है? जी 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 जैसे आपके तरफ है वैसे ही यहाँ भी बनी हुई है सर, गर्मी बहुत ही है अभी। जी और आप क्या करते हैं गुजरात में? जी गुजरात में किस शहर में आप हैं अभी? गुजरात में मैं ऊना में हूँ सर, दमन दीव जो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो तटवर्ती इलाका है। जी जी जी। और क्या काम है आपका वहाँ पर? सर मैं एक्सकेवेटर ऑपरेटर हूँ। आपसे पहले भी बात हुई है क्या हमारी? नहीं जी अभी फर्स्ट बार है। अच्छा, एक दो और हैं जो इस तरह के काम में हैवी व्हीकल एक्सकवेटर वगैरह चलाते हैं और उनसे हमारी बातें होती हैं। बहरहाल आप उतनी दूर हमारे कार्यक्रम ऐप के जरिए सुनते होंगे? जी जी ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू। जी बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रमों से यूं ही जुड़े रहें। आज किस गाने की फरमाइश है ये हमें आप बताएं। सर एक मूवी है आशिक आवारा, हिंदी मूवी है, मैंने प्यार कर लिया नहीं करना था, ऐसे कुछ गाने का बोल है। जी
उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजा जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
दिया मैंने जान दे दी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश में आपका स्वागत है। जी स्वागत है असगर जी आपका एक बार फिर से। चलिए अच्छी बात हुई कि आपकी आमद लगातार दूसरे हफ्ते भी हो गई है और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वागत। तो आपके रेडियो से लगाव की शुरुआत हुई कि अभी भी वो जो क्या कहते हैं कि थोड़ा खफा खफा है वो चीज आपने क्या अभी सुनिए ध्यान से सुनिएगा। सुना जी जी ये तो उसकी आवाज है टेलीफोन की। हाँ तो ये दो मोबाइल है ना। जी जी हाँ देखिए अच्छी बात ये है कि आप दूसरे से देखिए जब आपसे बात हो रही है तो उनको ये बता रहा है कि आपको इंगेज जा रहा है। अच्छा 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 अभी सही है। हाँ, और आप बहुत हमारे पुराने वरिष्ठ श्रोता है और मतदान की तिथि नजदीक आ गई है तो आप क्या अपील करेंगे लोगों को मतदान करना चाहिए बहुत ही जागरूकता के साथ हम सब तो यही कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं। हाँ मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी कि आप सत्य कहते हैं इसका तो क्या इसका विज्ञापन करने के लिए आप लोग को आ रहा था हाईकमान से किस चीज का मतलब आप लोग मतदान के बारे में। हाँ हाँ जैसे सभी जितने विभाग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं और इसके बारे में निर्देश आते हैं ये बिल्कुल सही बात है। वही 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 हाँ हाँ हम लोग अपने से तो कुछ भी नहीं करते ना। वही 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 इसलिए इन दिनों आपको देखते होंगे कि बहुत से मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम हमारे यहाँ से दिल्ली से लखनऊ से रिले होते हैं। जी जी कौन सा गीत सुनवा दें असगर जी। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। पूरा वो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। ये मुकेश की आवाज में गीत है। अच्छा 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 और... ये गाना डेडिकेट किया हमने जी अपने बड़े भाई को। हाँ हाँ गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया असगर जी नमस्कार। हमेशा खुश रहे नमस्कार। आदाब। याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुलाए किस तरह उनको कभी पी थी उन आँखों से बुलाए किस तरह उनको कभी पी थी उन आँखों से कभी पी थी उन आँखों से छलक जाते हैं जब आंसू छलक जाते हैं जब आंसू वो सागर याद आते हैं
जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। सुर्ख लब थे याद ये की लो मचलती थी, किसी के सुर्ख लब थे याद ये की लो मचलती थी, दिए की लो मचलती थी, जहाँ की थी कभी पूजा, जहाँ की थी कभी पूजा, वो मंदिर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें किस्मत में जलना है, जिन्हें किस्मत में जलना है, वो जल कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर मैं रामबाबू मालवीय बोल रहा हूँ सर, सर्वधर्म ए सेक्टर कोलार रोड भोपाल से। और देखिए भोपाल से भी आपका भी फोन निरंतर अंतराल पे लग जाता है। और आपके यहाँ मतदान हो चुका है या होने वाला है? सर हो चुका है। बिल्कुल, और आपने मताधिकार का प्रयोग किया? बिल्कुल, पूरे तो, परिवार के साथ में सर। हाँ ये अच्छी बात है, आपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। यही जागरूकता हर किसी में होनी चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। इससे हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं और एक दायित्व बोध है जिसका हमें एक उस पर फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर फिल्म है आजा मेरी जान, उसमें गाने के बोले इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। और सर आप कैसे हो सर? हम अच्छे से हैं और उम्मीद करते हैं हमारे सारे श्रोता अच्छे से होंगे। ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। जी सर नमस्कार। जी, शुक्रिया, नमस्ते। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको, हाँ मौत ने हमको, मौत ने हमको मारा है और हम
जिंदगी के सताए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए। दहद अपनी बस्ती से कह दे दाग लगने न पाए कफन को, आज ही हम ओ आज ही हम में आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, आज ही हम बदले हैं कपड़े, आज ही हम आए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए। सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मन्नत पे मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं, ऐसे आए हैं मन्नत पे मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे, दुश्मनों की शिकायत हमेशा, दोस्तों से गिला क्या करेंगे, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहां उनके साए हुए हैं, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते, फिर कहां उनके साए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर जो के खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी, स्वागत है, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नमस्कार सर, नाम हमारा वसीम लियाज़ बनारस से बात कर रहे हैं। जी जी, और कितने अरसे से आप रेडियो सुनते हैं? जी हम बहुत पुराना रेडियो सुनते हैं, बहुत दिन से। और लगभग जी बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे, मगर एक बार लगा था तो मैम उठाई थी पर फिर काट दिए थी, आवाज नहीं आ रही थी। आज ही जी? आज तो ऐसा हुआ नहीं है, 15 दिन हुआ। 15 दिन पहले की बात है जी जी। आज तो चूंकि निरंतर जितने फोन आते हैं वो फोन रिसीव होते हैं और हम लोग बात करते हैं। कामकाज क्या है आपका, ये साड़ियों की बुनाई वाला? जी सर, हम कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते हैं जी। पढ़ाई करते हैं। अभी पढ़ाई हो रही है आपकी जी? तो कौन सी क्लास में है, क्या पढ़ते हैं आप? LKG में पढ़ते हैं। LKG में जी? तब तो आप बहुत छोटे होंगे, तो फिर कैसे आप फोन कर पा रहे हैं, और बहुत दिनों से आप प्रोग्राम सुनते हैं, ये कैसे कह रहे हैं? हमको नंबर मिलाने आता है नहीं, इसीलिए हम लगा लिए अपने से। और किस क्लास में आप हैं? हम बगत 10 में पढ़ रहे हैं। अभी आपने 10 बोला था या LKG बोला था? LKG। तो LKG में है या 10 में है? तो
हम 10 में अभी पढ़ रहे हैं, 10 में। चलिए, हम तो हर श्रोता पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहें कि दोनों तरफ से ईमानदारी होनी चाहिए। श्रोता भी असली नाम से, असली पते के साथ और असली जानकारियों के साथ हमें फोन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सर, हम कव्वाली सुनना चाहते हैं। जी, मेरे मालिक मेरे दादा आए मेरे परवर दीदार वाली। फिल्म का नाम तो हमें नहीं मालूम सर। चलिए, ये पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी जी, हमारे अखे भाई हैं, वो बात करना चाहते हैं। नहीं, उनको बोलिए फिर से फोन करें। हाँ हाँ हाँ, जरूर। नहीं, फिर नहीं लगेगा? नहीं, तो एक फोन में अगर परिवार के 10 लोग हो जाएं तो हम लोग उन्हीं से बात करेंगे, तो बाकी श्रोताओं के साथ ये ईमानदारी नहीं होगी ना। ज्यादा देरी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा बात कर लीजिए तो हम इसी कॉल में रख पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। हाँ, फिल्म है हातिम ताई और मोहम्मद अजीज की आवाज़ है। हेलो सर। हेलो जी, जी बताएं। जी, हम बहुत साल से कैसे, 100 साल से हम तैयारी कर रहे थे, इनका नंबर लग गया, हमारा नंबर लग नहीं रहा था, यही आपसे बात करना चाह रहे। तो नंबर लगने में तो न तो उनके हाथ में न हमारे हाथ में है, ये तो तकनीक पर आधारित है, जिसका फोन लग जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वकील अहमद है। और उनका नाम क्या है? समीम अहमद। और वसीम रियाज नाम है ना? तो अभी तो आपने खुद देखिए, वही चीजें हैं, थोड़ी सी ऑनेस्टी होनी चाहिए। वो हम लोग भी बहुत सी चीजें जानते हैं, कई श्रोता देश विदेश से अपने नाम भेजते हैं और फरमाइश करते हैं, जो रहे वास्तविक वही बताना चाहिए। तो आपको उनका नाम क्या पता? वो किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आपको पता होगा ना, जब आपके दोस्त हैं और घर के हैं और भाई हैं तो। नहीं, हम इतना ध्यान नहीं देते ना, हमारा दूसरा काम है ना। नहीं तो भी, अब एक तो एक साथ रहते रहते अब ठीक है। आइए गीत सुनते हैं, फिल्म है हातिम ताई और मोहम्मद अजीज की आवाज। हम लोग की भी अपनी एक सीमाएं हैं, वरना हर किसी को हर ये दुनिया उतनी वो भी नहीं है। गीत सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
दिया माजरा दुश्मन नबी का देख कर घबरा गया जब अबाबिलों का लश्कर हाथियों पर छा गया तेरी लाठी में नहीं आवाज पर कारी है वार मेरे मालिक मेरे दाता ऐ मेरे परवरदिगार मेरे मालिक मेरे दाता ऐ मेरे सबसे ऊंचा सबसे आला तेरा नाम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तेरा रुतबा सबसे ऊंचा सबसे आला तेरा नाम आदमी हो या फरिश्ते सब है तेरे ही गुलाम मांगते हैं हम मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर शेर हक मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पर जिस तरह याकूब की आंखों को दी थी रोशनी आज इकला चार की फिर दूर कर दे बेबसी अपनी कुदरत का तमाशा फिर दिखा दे एक बार फिर दिखा दे एक बार फिर कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश हेलो फोन इन फरमाइश नमस्कार नमस्ते स्वागत है प्रोग्राम में आपका आप कौन बोल रहे हैं अरुण जी जी नमस्ते जी जी हाँ तो और सुनाइए क्या हाल हम अच्छे से हैं आप अपना नाम बता दीजिए हालांकि आपकी आवाज से पहचान हम लोग जाते हैं लेकिन श्रोताओं को तारुफ खुद करना अच्छा रहता है जी हम रसूलपुरा बड़ी बाजार से नियाज अहमद बोल रहे हैं हाँ नियाज जी आप तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और नियमित रूप से आप कार्यक्रमों में कोशिश करते हैं ये बड़ी बात है जी जी सर जी पुराने श्रोताओं की पहचान हुआ करती है बहुत पुराने पुराने श्रोता लगे हुए हैं आज भी मौजूद हैं जी जी ये तो है कि थोड़ा नए नए एरिया में विस्तार हुआ है और देश के कोने कोने से श्रोता जुड़े हैं लेकिन हम सब भी अपने जो 20-25-30 साल पुराने श्रोता हैं जिन्होंने खुद बताया कि कितने अरसे से सुन रहे हैं कई हम लोगों की पैदाइश से पहले के सुनने वाले हमारे रेडियो से आज तक जुड़े हैं ये बड़ी बात है जी जी सर वो पहले रेडियो का जमाना था ने जी जी तो हाँ और एक चीज और जिस चीज की आदत पड़ जाती है तो वो जुड़े ही रहना चाहिए और रेडियो तो अच्छी चीज है बहुत सारी चीजें इसमें मालूम पड़ती हैं बहुत अच्छी चीज है उससे ज्ञान वर्धन भी होता है तरह तरह की जानकारियां भी और ये आपको किसी कामकाज में खलल नहीं डालती रेडियो के जो प्रसारण है इसके जो कार्यक्रम है कौन सा गीत आपको सुनवा दें आज आप हमको सुनवा दिए फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है लेकिन हम गाने के बोल बता सकते हैं जी आया रे खिलौने वाला खेल खिलौना लेके आया रे ये मोहम्मद रफी आवाज का है गाना जी बिल्कुल ये मोहम्मद रफी की ही आवाज में गाना है और ये आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम जो होता है जी मतलब कि सप्ताह में दो बार अगर किया जाए इसमें दिक्कत ये है कि पत्र हमारे पास जो पहले के हैं वही हैं नए पत्र आ नहीं रहे हैं हाँ इसलिए समस्या ये है कि पत्रों पर आधारित कार्यक्रम ज्यादा इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं पहले ये था कि जो खत ज्यादा आते थे और सिर्फ खत ही आते थे अब मेल ज्यादा आते हैं खतों की तुलना में तो मेल आधारित कार्यक्रम दो दिन है
व्हाट्सएप पर आधारित और ईमेल पर आधारित जो फिल्म दो दो दिन आते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है उसमें क्या है कि फरमाइश बहुत ज्यादा होती है और गीत कम होते हैं। हाँ तो फरमाइश तो देखिए हम लोग तो बनाते नहीं ना, जो श्रोता फोन करते हैं फरमाइश करते हैं उनकी फरमाइश आती है, उसमें छोड़ दिया जाए तो वही श्रोता शिकायत करेंगे कि हमारा नाम नहीं पढ़ा गया पहले। और आप जैसे बहुत से पुराने श्रोता हैं वो भी बार बार फरमाइशें भेजते हैं हम लोगों को, तो हर कोई पेश करने वाला भी इंसान ही है और भेजने वाले भी हैं, तो दोनों ओर से बातें बराबर होती हैं। जी जी, आपने जिस गीत की फरमाइश की है आपके अनुरोध पर, जी जी आपके अनुरोध पर वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको पुनः शुरू करें। तो वो भी तो खतों पर ही आधारित था ना? वो भी खतों पर बिल्कुल, नाम जो भी हो लेकिन हो ये रहा है कि पत्र नहीं आ रहे हैं, पत्र नहीं आते हैं, इस कारण से हर श्रोता व्हाट्सएप और ईमेल में अपने को कंफर्टेबल महसूस करता है, इजी रहता है। नेट का जमाना हो गया। हाँ नेट का जमाना हो गया है। तो ये बचपन फिल्म का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, और जैसा आपने बताया कि रफी साहब की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार। अरे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आंख के तारो, कहाँ गए ओ मेरे प्यारो, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे, खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, शोर क्यों मचाती है ये बरखा दीवानी, बरसा घटाओं से लाखों मन पानी, मेरी तरह तुम कब रोए हो ओ सावन के नजारों, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे, खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे गलियों से हर बाग की डाली, भरी है गलियों से हर बाग की डाली, मेरी तो झोली में दो फूल थे खाली, छीन लिए वो भी कहे तुमने ओ बेईमान बहारू, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे आया रे, खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे देखो मैंने गुड्डे की शादी है रचाई, देखो मैंने गुड्डे की
शादी है रचाई मेरी प्यारी गुड़िया की बारात है आई गोरी चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारो आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आँख के तारों कहाँ गए ओ मेरे प्यारों खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आँख के तारों कहाँ गए ओ मेरे प्यारों चली बाबुल के घर से डोली ले आओ कहारू आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश नमस्कार मैं कलानी ओडिशा से मनोज कुमार पटेल बोल रहा हूँ मनोज पटेल जी स्वागत है आपका बहुत दूर से आप बोल रहे हैं कैसा मौसम है उस इलाके में उड़ीसा में उड़ीसा में तो बहुत गर्मी है जी 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 गर्मी यहाँ भी हमें लगा कि उड़ीसा में चूंकि समुद्र नजदीक है कुछ इलाकों में तो वहाँ तो हो सकता है प्रतिदिन या हर दूसरे चौथे रोज इस मौसम में शाम के समय बारिश होती होगी आपके इलाके में नहीं है लगता है हाँ गर्मी का तो मौसम है भाग में है ना जी जी इसीलिए गर्मी है हाँ 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 तो बताएं प्रोग्राम कैसे आप सुनते हैं और कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और पहली बार मैं वाराणसी को फोन लगाया है और सोचिए आपका तो फोन लग गया अच्छा लगता है हाँ 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 बहुत खुशी महसूस होता है और जी जी बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे श्रोता हमारे एक अच्छा कैसे आपको पता चला किस तरह से आप आकाशवाणी वाराणसी के बारे में आप जाने जी मैंने प्रोग्राम सुना तो इसलिए फोन किया रविवार के दिन जी 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 बहुत बढ़िया तो आप ऐप के जरिए सुनते हैं हाँ जी 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 तो मीडियम वेव में मैं सुनता हूँ जी जी रात में आता है हाँ उसमें तो ये होता होगा वाराणसी जी 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 उसमें ये होता होगा कि हर समय लेकिन आजकल ऐप के जरिए है फिर हम लोगों के यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी के तमाम केंद्रों के वहां पर भी कार्यक्रम आपको बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वो रहते हैं और आप प्रसारण के बाद उन्हें सुन सकते हैं जी जी। और अब तो ईमेल और व्हाट्सएप आधारित कई कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनमें भी आप भाग ले सकते हैं आज किस गाने की फरमाइश है आपकी जी
आज शमशाद बेगम के स्वर में कोई भी गाना सुनना है। जी जी, शमशाद बेगम को पसंद करते हैं आप, उनकी आवाज में गाए गीत को। जी जी, बहुत अच्छा लगता है उनका जो गाना है। जी जी, एक से एक गाने उन्होंने गाए और बहुत सारे गाने बहुत मशहूर हुए हैं, चाहे वो नया दौर का गीत हो, मदर इंडिया का गीत हो, इस तरह बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं। जी, तो उनके बहुत सारे गाने बहुत मशहूर हैं, लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बूझ मेरा क्या नाम रे, बच के बलम कहाँ जाओगे। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे इनमें से? कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। हाँ, आर पार फिल्म का गीत है। जी जी जी, हाँ, कभी आर कभी पार, शमशाद बेगम की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कीजिए बुधवार को सुबह में 10:30 से 11:15 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। साथ ही आपसे ये कहें कि मतदान जरूर करें, मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। और इसी उम्मीद और इसी आह्वान के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।